Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain the question to you now. The question says that prove the following are irrational, right? And kya diye hue hai hamein options? Sorry, hame kaun se numbers ko prove karna hai? 1, 1 by root 2, 2, 7 root 5 and the third one is 6 plus root 2, right? To hame teen basically numbers diye hue hai yahan pe aur hame ye prove karna hai ki ye jo numbers hain wo irrational numbers hain, right? तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन से शुरू करते हैं. फर्स्ट क्या है वो? 1/√2 है, राइट? तो मैं शुरू करता हूँ. तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर. लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि 1/√2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, राइट? वेयर बी इज नॉट, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, राइट? वेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू इंटीजर्स, राइट? एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एज वेल एज एंड ए एंड बी आर को प्राइम्स, राइट? तो ये मेरे कंडीशंस हो जाते हैं, राइट? दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ए रूट टू इज इक्वल टू बी, या फिर बी इज इक्वल टू ए रूट टू, राइट? This implies that, अब now what I will do is, I will square on both sides. तो square both sides करने पे क्या हो जाएगा? B square is equal to A square into 2, right? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 divides B square. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये चीज़. This means that 2 divides b square. If 2 divides b square, that means 2 also divides b, because b is a prime number, right? So 2 also divides b, right? तो मैं क्या मान लूंगा, 2 is मतलब b के, b का 2 जो है वो एक डिवाइजर है, राइट? तो मैंने यहां पे ये प्रूव कर दिया कि b इज डिविजिबल बाय 2, राइट? अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, सिंस 2 इज अ डिवाइजर ऑफ b, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू 2 इंटू के, राइट? तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर, राइट? अब मैं b स्क्वायर को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसकी वैल्यू, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2. दिस मीन्स 2k स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ, 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए स्क्वायर. मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज, दिस मीन्स 2 इज अ factor of A, right? This means that, this implies that 2 is a common factor, factor of both A and B, right? 2 is a common factor of both A and B, but हमने क्या assume किया था, that A and B are co-primes, और co-primes का common factor सिर्फ 1 होता है, right me, right? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बट ए एंड बी वर को प्राइम्स विथ वन एज द ओनली कॉमन फैक्टर, राइट? हेंस This is a contradiction.
right? This means that the initial assumption was wrong. Which initial assumption? That 1 by root 2 is a rational number. Hence, मैं यहां पे लिख देता हूं. Hence, 1 by root 2 is an irrational number. Right? अब मुझे दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या चीज प्रूफ करनी है? दूसरा है 7√5 को मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, राइट? तो हम यहां पे लिख लेते हैं पहले तो. सेकंड, 7√, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं, 7√5, राइट? तो मैं पहले तो अज्यूम करूंगा लेट 7√5 इज रैशनल. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, राइट? वेयर ए एंड बी बिलोंग टू इंटीजर्स, राइट? एंड ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, right? And A and B are also coprimes. Right? तो ये मैं इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं? रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन 7b. नाउ वी नो दैट ए अपॉन बी, ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, सो 7 इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट? सिंस B is an integer, then 7b is also an integer, right? This implies that A upon 7b is a rational number. Right? Because A is an integer, B is an integer, 7B is also an integer, right? And B is also not equal to 0. But, हमें already मालूम है कि root 5 is an irrational number. But, we know that root 5 is an irrational number. So, we know that irrational numbers cannot be equal to a rational number. Root 5 cannot be equal to A upon 7b. This implies that root 5 is not equal to A upon 7b, right? What does this mean? Hence, the initial assumption was wrong. 7√5 is not rational. 7√5 is an irrational number, right? तो ये चीज मैंने प्रूव कर दी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं. Hence, 7√5 is irrational. इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पे. Is irrational, right? अब मैं देखता हूं तीसरा वाला मेरा ऑप्शन क्या था. 6 plus root 2.
तो मैं इसे भी प्रूव करता हूं। क्या है मुझे? 6 प्लस रूट टू दिया हुआ है, राइट? तो मैं इसको कर लेता हूं पहले। क्या अज्यूम मैं करूंगा? लेट 6 प्लस रूट टू इज रैशनल, राइट? दैट मीन्स 6 प्लस रूट टू कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग टू इंटीजर्स, बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी आर को प्राइम्स, राइट? दिस इंप्लाइज दैट रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 6, राइट? नाउ ए अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर एंड 6 अपॉन 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो रैशनल, राइट? मैं यहां पे लिख देता हूं, वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। राइट? बट वी नो दैट रूट टू इज एन इरैशनल नंबर, राइट? बट वी नो दैट रूट टू इज एन इरैशनल नंबर। What does this mean? This means that, this implies that, just a second, this implies that root 2 cannot be equal to a upon b minus 6. Hence, our initial assumption, assumption was wrong, right? 6 plus root 2, sorry, just a second, 6 plus root 2 is not a rational number. राइट? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मैं अपना आंसर यहां पे लिख देता हूं, हेंस 6 प्लस रूट टू इज एन इरैशनल नंबर, राइट? तो ये मेरा तीसरे वाले पॉइंट का भी मैंने प्रूव कर दिया दैट इट इज एन इरैशनल नंबर, राइट? सो दिस इज अवर आंसर। I hope you understood the explanation. Thank you.